नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मदर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, रेलवे का जो पुस्तक है घटनाचक्र रेलवे गणित, ये वाली पुस्तक, उसका सवाल करवाएंगे। तो चलिए आज से वही सीरीज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चल रहा था हम लोगों का त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, और ये किताब है हम लोगों का, इससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टोटल 100-150 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक अनुरोध, जो भी बच्चे नए विजिट कर रहे हैं इस चैनल पे, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और अगर आपको हमारा अप्रोच अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। चलिए आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसा कुछ दिया हुआ है और आपसे वैल्यू पूछा है सेक थीटा इक्वल टू व्हाट, इस तरह से दिया हुआ। देखिए इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं। पहले तो देखेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू बराबर कब होता है। तो हमको पता होना चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू 45 डिग्री में बराबर होता है। अगर आपको डिग्री नहीं मालूम है तो आप कैसे बनाओगे। आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है, याद रखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप यहां से भी जा कर के बना सकते हैं, और नहीं तो आप सबसे बढ़िया देखिए इस तरीके को, ठीक है। थीटा के जगह क्या बैठा देंगे, 45 डिग्री। तो हमसे सेक थीटा का वैल्यू पूछा, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा सेक 45, और सेक 45 का वैल्यू होता है रूट अंडर 2। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा रूट अंडर 2, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। यदि 8, P और 17, ठीक है, ट्रिपलेट है तो P का मान क्या होगा, ठीक है, ट्रिपलेट है तो P का मान क्या होगा, ठीक है, P का मान क्या है। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा है, और ये भी 2018 में पूछा था ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, ये भी पूछा है ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। तो सीधा सा फंडा है, आप ट्रिपलेट आपको मालूम होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे हाइपोटेनस 17 है दिया हुआ, पी के जगह पी स्क्वायर बैठा देंगे, और बी के जगह हम लोग 64 होगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है। तो चलिए 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। इसको इधर ला करके आप घटाइएगा तो आपके पास आएगा 225 इक्वल टू पी का स्क्वायर। देन पी इक्वल टू व्हाट, पी इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 15, और ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। एक इजी सा क्वेश्चन है, NTPC में पूछा हुआ है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, लिखा हुआ है, पूछ रहा है हमसे, थोड़ा सा किताब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है टेन थीटा का विपरीत होगा कौन सा होगा। देखिए टेन ए का विपरीत पूछ लिया, टेन ए का विपरीत, तो टेन ए को इन्वर्स करेंगे तो क्या मिलेगा, सभी को पता होगा कॉट ए, हम आपको बताए हैं। टेन ए को विपरीत करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉट ए, और इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है चार नंबर क्वेश्चन में, बहुत ही सीधा सीधा क्वेश्चन है, NTPC में पूछा हुआ है 27 अप्रैल 2016 वाले पेपर में, कॉस जीरो का वैल्यू क्या होगा। कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है। एक बार हम आपको टेबल बता देते हैं वो, ठीक है, उससे बहुत सारा क्वेश्चन मिल रहा है यहाँ पे, तो टेबल बता देते हैं आपको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया हो आपको। चलिए देखते हैं एक बार टेबल को हम लोग, है ना। देखिए टेबल क्या है, आपको पता होगा ट्रिगोनोमेट्री का साइन रेशियो क्या होता है, कॉस रेशियो क्या होता है, टेन रेशियो क्या होता है, कॉट क्या होता है, सेक क्या होता है, और कॉसेक क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60, और लास्ट में 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों।
चलिए देखते हैं फिर जीरो डिग्री का क्या होता है। इधर जीरो, इधर तीस, स्टैंडर्ड एंगल है ये सब याद रखेंगे इसको, 60 और फिर 90। यहाँ एक दो तीन चार, सॉरी जीरो से स्टार्ट किए हैं तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जीरो वन टू थ्री फोर, फोर हुआ कंप्लीट, फोर से डिवाइड कर दो इसको, डिवाइड कर दिए, जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे और कैंसिल करने के बाद रूट लगा देंगे, ठीक है। कंप्लीट में आप रूट लगा दो तो यहाँ जीरो हो जाएगा, ये वन बाई टू हो जाएगा, ये वन बाई रूट टू होगा और फिर ये रूट थ्री बाई टू होगा और ये वन हो जाएगा। कॉस का जब लिखेंगे तो इसी का उल्टा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जीरो रूट थ्री बाई टू, इसको वन बाई रूट टू और ये वन बाई टू और फिर ये जीरो। तो कॉस जीरो का वैल्यू हम यहाँ पे वन लिखे थे, देखिए क्वेश्चन। और साइन बाय कॉस क्या होता है हमारे पास, तो साइन बाय कॉस याद रखेंगे, साइन बाय कॉस होता है हमारे पास टेन, तो जीरो बाय समथिंग जीरो आता है, इसको जब हम लोग करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा वन बाई रूट थ्री और ये वन आएगा और ये रूट थ्री बनेगा हमारे पास, ठीक है। और फिर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप इसका उल्टा कर देंगे तो आपको कॉट मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं जीरो का उल्टा नॉट डिफाइन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जीरो का उल्टा करेंगे तो कॉस बाय साइन हो जाएगा, वन बाय जीरो नॉट डिफाइंड होता है। इसका उल्टा करेंगे तो रूट थ्री होगा, ये वन का वन हो जाएगा, ये वन बाय रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जीरो, सेक किसका उल्टा होता है तो कॉस का, वन का वन हो जाएगा, टू बाय रूट थ्री होगा यहाँ पे, यहाँ रूट टू हो जाएगा, यहाँ टू, और जीरो का फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कॉस सेक किसका उल्टा होता है, साइन का, जीरो का नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर टू हो जाएगा, फिर यहाँ रूट टू हो जाएगा, फिर टू बाय रूट थ्री हो जाएगा और फिर वन का वन ही रहेगा। तो ये टेबल है स्टैंडर्ड वैल्यू, इतना याद रखना होगा कम से कम आपको रेलवे के मैथ्स के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं, तीन नंबर चार नंबर तक हो चुका था, अब आगे देखते हैं। आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको अभी रहने देते हैं, कुछ सवाल है उसको कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको मिटा देंगे, ठीक है। चलिए पाँचवा नंबर सवाल क्या कहता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होगा। पाँचवा नंबर क्या कहता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, बताइए। साइन 45, साइन कहाँ है, यहाँ है। 45 का वैल्यू क्या है, वन बाय रूट टू। 45 का वैल्यू क्या है बच्चों, तो वन बाय रूट टू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन बाय रूट टू। ऑप्शन नंबर इसका होगा सी, फिर से सी हो रहा है, ठीक है। अब हमसे सवाल पूछा है, छः नंबर सवाल, साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 38 डिग्री इक्वल टू व्हाट, कॉस स्क्वायर 38 डिग्री इक्वल टू व्हाट। अब देखिए इसका आइडेंटिटीज हम आपको बता चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू नथिंग बट वन, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, वन। और ये भी ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है शायद, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, एक बार इस टेबल को मिटाते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। छः नंबर सवाल हो गया, सात नंबर सवाल को देखते हैं क्या कहता है। सात नंबर सवाल है हमारे पास, सात नंबर सवाल दिया हुआ है कॉट का फोर थीटा और फिर प्लस कॉट का स्क्वायर इक्वल टू 3.6, ये दिया हुआ सवाल। और हमसे पूछा क्या है, कॉसेक का फोर थीटा माइनस कॉसेक का टू थीटा इक्वल टू व्हाट, ठीक है। इतना सवाल आपसे पूछ लिया तो कुछ नहीं, देखेंगे सवाल कैसे बनेगा। कॉट का फोर थीटा प्लस कॉट का टू थीटा इक्वल टू 3.6, यहाँ से अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, तो मेरे पास बचेगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस सॉरी प्लस का वन इक्वल टू 3.6। अगर हम यहाँ से ध्यान देंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा को हम कॉमन बाहर निकाल लिए, ठीक है, तो मेरे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बच गया, ठीक है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है आपको पता होना चाहिए, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 3.6 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3.6। अब इसको आप लिख सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन
इसको आप लिख सकते हैं ऐसा, और फिर यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.6। अब जब आगे बढ़ेंगे हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कॉसेक का पावर 4 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3.6। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा 3.6। हालांकि ये चीज़ हम आपको बताए थे, इतना करने का ज़रूरत नहीं पड़ता अगर लास्ट क्लास आप देखे होंगे तो, ठीक है। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है मेरे पास। 8 नंबर सवाल लिखा हुआ है, 8 नंबर सवाल, एक मिनट, लिखा 8 नंबर सवाल, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू व्हाट, इतना सा बात पूछ लिया। तो कॉस 90 का वैल्यू 0 प्लस कॉसेक 90 का वैल्यू 1 माइनस कॉसेक कॉट 90 का कॉट 45 का वैल्यू 1, ये कट गया, पहले से 0 था, इस सवाल का उत्तर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ठीक है। चलिए अगला जो सवाल है वो देखते हैं, 9 नंबर सवाल क्या कहता है। 9 नंबर सवाल कहता है साइन 90 माइनस थीटा। तो याद रखेंगे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ठीक है। और इस सवाल का उत्तर यही हो जाएगा कॉस थीटा। याद रखेंगे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया है, ये एनटीपीसी 2016 और ग्रुप डी 2018 दोनों एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। 10 नंबर देखिए, ये भी फार्मूला पूछा है, ये भी एनटीपीसी में पूछा है 2016 में, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट। तो याद रखेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, ठीक है। कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये था 10 नंबर क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगर किसी भी कैंडिडेट को, बच्चे को दिक्कत हो तो आप इसको फिर से रिवाइज करके देख लेंगे, ठीक है, और एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, उसके बाद सेशन को समाप्त करेंगे, ठीक है। और फिर लंबा लंबा वीडियो भी मिलेगा आपको 50-60 क्वेश्चन का, तो आप धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। चलिए आइए मिटाते हैं फिर इसको। चलिए 11 नंबर सवाल क्या कहता है देखते हैं। 11 नंबर सवाल कहता है मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। 11 नंबर सवाल हमें मूल्यांकन करने के लिए कहा जा रहा है, साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 45 डिग्री, ठीक है, इनटू साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 30 डिग्री, ठीक है। बहुत ही इजी सा सवाल है, आप देखेंगे ध्यान से तो कॉस 45 और साइन 45 ये दोनों दिया हुआ ना, कॉस 45 और साइन 45, तो क्या ये कैंसिल हो सकता है, क्या एकदम कैंसिल होगा, कॉस 45 और साइन 45 एकदम कैंसिल होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू बराबर होता है। आप ऐसे लिख दो साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, ठीक है, इनटू साइन 45 का वैल्यू 1/√2 डिवाइडेड बाय कॉस 30, ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन 30 बाय कॉस 30 इक्वल टू टेन 30, तो टेन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, इस सवाल का उत्तर यही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर हो गया, इसके बाद 12 नंबर सवाल।